वहीं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला से मिले। इस मुलाकात के बाद जब सज्जन सिंह वर्मा मीडिया से मिले तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों देवास के नागदा में प्रशासन द्वारा बलपूर्वक गरीबों के आशियाने तोड़ दिए गए थे, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया गया। वहीं ठंड ज्यादा पड़ने के साथ उन गरीबों की कोई सुध नहीं ले रहा था, जिस पर कलेक्टर का कहना है कि उनको घेर बेघर नहीं होने देंगे और जल्द ही उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी और विविधता पट्टे भी दिए जाएंगे। वहीं न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको वहां से हटाया गया है। पूर्व मंत्री ने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया के चक्कर में गरीबों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं किया जाएगा, इसकी चेतावनी पूर्व मंत्री ने कलेक्टर को दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि अगर उन गरीबों को जल्द किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई तो कांग्रेस बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब से। आज बहुत अच्छे माहौल में उनसे बात हुई है और काफ़ी देर लंबी चर्चा हुई है। हम लोगों की जो मांग थी, शुरू दिन से जो मांग थी, हमको किसी की व्यक्ति की ज़मीन पे किसी प्रकार का कोई हम व्यक्तिगत अधिकार नहीं चाहते, लेकिन हमारा इतना ही है कि मानवता जिंदी रहे। जिस प्रकार से शर्मसार करने वाली बात देवास में हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में इसमें देवास का नाम खराब हुआ है और मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में देवास का नाम खराब हुआ है। जैसे शीतलहर के समय पर इन लोगों को उठाया गया और आज इसी मुद्दे को लेकर पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी और हम सब लोग मिले कलेक्टर साहब से। उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर किसी भी परिस्थिति में उन लोगों को सही जगह पर स्थापित किया जाएगा और उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित तौर पर वो मिले आए थे, कुछ 25-26 लोग हैं जिनको कुछ समय पहले बेदखल किया गया था, उनके लिए उनका आग्रह था। मैंने स्पष्ट किया है कि सरकार की ये नीति है कि कोई भी आदमी को निश्चित तौर पे उनको भूखंड दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा और हम शीघ्र ही कुछ न कुछ उनके रहने सहने की व्यवस्था करेंगे।